नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आईटीओ पहुंचा गाजीपुर से निकला मार्च। किसानों ने जमकर हंगामा किया है, आईटीओ पर पुलिस बस को भी किया हाईजैक, क्रेन भी कब्जा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हाईजैक कर ली है बस और ऐसे में क्रेन भी कब्जा लिया है। लगातार आंदोलन कर रहे थे किसान, ऐसे में अब उग्र हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर शांतिवन रेड लाइट पर किसानों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए हैं। लाल किले की तरफ बढ़ी है ट्रैक्टर परेड। अक्षरधाम में किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, ऐसे में अब अक्षरधाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों ने अक्षरधाम में बैरिकेड को तोड़ दिया है, इसके चलते यहाँ पर बस भी कब्जा ली है। किसान अब सराय काले खां की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर ये आ रही है सामने, ऐसे में आईटीओ तक पहुंचा किसानों का एक ग्रुप। लाल किले की तरफ बड़ी ट्रैक्टर परेड। हंगामे के बाद अब हालात सामान्य, शांति से आगे बढ़ रही है किसानों की ट्रैक्टर परेड। और वहीं दिल्ली के आउटर रिंग रोड, वजीराबाद आईएसबीटी रोड और नोएडा लिंक रोड पर भारी ट्रैफिक ट्रैक्टरों से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने छोड़े हैं आंसू गैस के गोले। किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ऐसे में पुलिस पूरी कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते यहां पर किसान उग्र हो गए थे। जिसके बाद यहां पर अब किसानों ने बस को भी हाईजैक किया था, क्रेन को भी कब्जा लिया था, जिसके बाद बैरिकेड भी तोड़े गए हैं। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसके बाद किसान तितर बितर हुए हैं। लेकिन अब अक्षरधाम की तरफ लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की ये तमाम जगह से आपको तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में अब बस को भी यहां पर किसानों ने हाईजैक कर लिया था, क्रेन भी कब्जा लिया है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे, पल पल की अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे में यहां पर किसान अब उग्र हो गए हैं, लेकिन पुलिस स्थिति को काबू करने का पूरा प्रयास कर रही है। अक्षरधाम की तरफ अब लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। आईटीओ तक पहुंचा था किसान का एक ग्रुप, जिसके बाद लाल किले की तरफ बढ़ी है ट्रैक्टर परेड। लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक किसान ट्रैक्टर रैली की अपडेट पहुंचा रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना अहम हो जाता है। जिस तरीके से किसान अब उग्र हो गया है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को लगातार ठीक किया जा सके और किसान उग्र ना हो। लेकिन अभी ये तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर किसान तलवार लेकर पुलिस वालों पर टूट पड़े और ऐसे में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आप न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। नगरपालिका फर्रुखाबाद की ओर से समस्त नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा समय से बाहर फेंकें, नालियों में गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, कोविड-19 का पालन करें, नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें।